विदिशा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान अपनों के बीच आदिवासी गीतों पर जमकर थिरके, जहां एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए शिवराज ने कांग्रेस पर भी जोरदार जुबानी हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। आदिवासी गीतों पर जमकर थिरके शिवराज, होली मिलन समारोह में शिवराज ने की शिरकत। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, इसलिए नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल, बोले शिवराज। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में नेता चुनावी दंगल में एड़ी चोटी का जोर लगाकर विपक्षी नेताओं को पटखनी देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में विदिशा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के शाहगंज और बुधनी दौरे पर पहुंचे, जहां जनता ने शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान आदिवासी परंपरा से सराबोर होकर जोरदार ठुमके लगाते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जनता से रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाने पर भी तंज कसा, साथ ही कहा कि कांग्रेस में कुछ भी बचा नहीं है, इसलिए नेता अब पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। और चुनाव प्रचार के लिए भी निकलना है, बोलो निकलोगी कि नहीं? जोर से बोलो निकलोगी। बहनों ने चुनौती दे दी भाइयों को, हम तो निकलेगी, तुम निकलोगे कि नहीं? निकलना पड़ेगा समझाने, निकलना पड़ेगा, कहीं डिस्प्यूट है तो उसको समाप्त करने, बैठ के मिलके सब प्रेम से एक दिशा में चले और पूरे हिंदुस्तान में अपने बुधनी की धमक जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं? जीत की और चेतावनी दे रहा हूं, रमाकांत भार्गव बुधनी से जीते थे 84,000 से, और भोजपुर से कितने से जीते थे? भोजपुर से जीते थे 92,000 से। अपने आप को बड़ा 30 बार का मत समझ, भोजपुर वाले कह रहे हम भी है। अरे बताओ बुधनी कोई से पीछे रह गई तो अच्छा लगेगा क्या? जोर से बोलो तो पीछे तो नहीं रहने दोगे? तो आइए हम सब इस होली पर होली के रंगों के साथ, आनंद और उत्सव के साथ, अपनी प्रगति और विकास के लिए ये संकल्प भी लें कि सबसे आगे रहेगी बुधनी और सबसे सुंदर कमल का फूल मोदी जी को भेंट करेगी अपनी बुधनी। बता दें कि विदिशा संसदीय सीट के चुनावी दंगल में भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को चुनावी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने अनुभवी नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा पर दाव लगाया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन किसे मात देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।